हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हो आप सभी लोग। और यहाँ पे गाइस सुपर रिवॉर्ड्स करके एक न्यू इवेंट दिया है इन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तरफ से। एंड भाई मतलब क्या ही इन्होंने इवेंट दिया अभी तक। इन्होंने जो फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था BGMI का, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स दिए, मतलब क्या बोलने का। फ्री में आपको गोल्डन क्रेडिट्स मिल रहा है, जहाँ पे आपको कुछ TP पॉइंट्स मिलेगा बस। और यहाँ पे M249 की स्किन दी है, मतलब एनिवर्सरी इवेंट था यार BGMI वालों। कम से कम एटलीस्ट एक लेजेंडरी तो दे सकते थे गाइस, मिथिक तो नहीं दे सकते, ठीक है लेजेंडरी तो दे दो एटलीस्ट यार। मतलब क्या ही इन्होंने किया है। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। पहले तो इन्होंने आपने यहाँ पे एनिवर्सरी यूसी इवेंट दिया था, जहाँ पे आपको 2 फ्री में मटेरियल्स मिल रहे थे। बट यहाँ पे देखो, आपको 20,000 यूसी स्पेंड करना है तभी आपको जाके ये फ्री वाले मटेरियल्स मिलेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, उसका ही छोटा पैक दे दिया सुपर रिवॉर्ड्स करके, जहाँ पे गाइज आपको फ्री में क्लासिक एंड सप्लाई के क्रिएट कूपन मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आपको बाइक्स मिल रही है, एंड यहाँ पे आपको एक कार्ड मिल रहा है जो कि आप मिशंस कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सब कुछ मतलब नहीं है। एंड यहाँ पे आपको एक फ्री में एक वाउचर मिल रहा है, जहाँ पे आपको 100 UC का डिस्काउंट मिलेगा जब आप M13 का रॉयल पास परचेस करोगे। तो ये जो वाउचर है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। M13 का जो रॉयल पास है आपको सिर्फ 260 भी मिल जाएगा, मतलब आपको 100 UC का प्रॉफिट होगा। अब ये हर सीजन में गाइस आपको मालूम होगा कि 60 UC का आपको जो है वाउचर तो मिलता ही है, तो यानी कि आपको 40 UC का सिर्फ यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो ये सुपर रिवॉर्ड्स जो सुपर रिकॉर्ड्स करके जो इवेंट दिया है, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है इसका। अगर आपने रॉयल पास नहीं परचेस किया रहेगा तो आप रॉयल पास परचेस कर सकते हो, तो आपका जो स्पेंड 300 UC है वो हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, RP एक्टिविटी पैक ले सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बताया अपने लास्ट वीडियो में, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड आपका जो UC है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, एंड ये वाला मिशन जो है आपके हो जाएंगे कम्प्लीट इजीली। सो हे गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपको इवेंट में एक वाउचर्स देखने को मिलते रहेंगे, तो यहाँ पे टोटल आपको बहुत सारे वाउचर्स देखने को मिलते हैं। सो इसका यूज़ कहाँ पे करना है आपको। सो ये एक वाउचर इवेंट है गाइस, जो कि अभी जो न्यू कंपनी वाला इवेंट आया होला बड़ी करके, वहाँ पे गाइस आप इस वाउचर्स को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइस अगर आप 540 UC स्पेंड करते हो, तो यहाँ पे आपको 40 UC या फिर 50 UC या फिर 30 UC का जो है डिस्काउंट मिलता है। तो ये मीनिंगलेस है गाइस, इस वाउचर का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप कभी भी अपने अकाउंट में UC नहीं डलवाते, ठीक है, कभी रॉयल पास नहीं लेते हो, तो इस वाउचर्स का कोई मतलब नहीं है गाइस। ऐसे ही सेम आपको वाउचर्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रीमियम एंड क्लासिक ग्रेड के लिए होने वाले गाइस। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी गाइस मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि गाइस इस वाउचर को यूज़ करना है, उसके लिए अगर आप अपने अकाउंट में UC डलवा रहे हो, तो ये गलती कभी मत करना। UC वाउचर्स को यूज़ करने के लिए कभी मत डलवाना गाइस। ये वाउचर्स आपको जो है मतलब कुछ मीनिंगलेस देते हैं। ये वाउचर से गाइस आपका जो मतलब UC वेस्ट होता है एंड कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ कभी यूज़ मत करना। हाँ गाइस, अगर आप बस क्रेडिट ओपनिंग करते हो, अगर आपके पास बहुत सारे UC है, तो इस चीज़ का आपको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत कहीं पर आपको जो है 19 से 19-20 तक आ सकता है, मतलब आपके जो क्रेट ओपनिंग में आपकी जो 19-20 UC है बच सकती है। मतलब अगर आपके 20 UC जा रही है, तो यहाँ पे आपके 18-19 UC बच सकती है। तो बस इतना ही है, एंड बाकी वाउचर्स का कोई मीनिंग नहीं है गाइस। एंड बस फिलहाल इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।